This video is from Vedic Mathematics, and now in previously like 4 or 5 videos, they are related with the only multiplications, but now this video is related with the division, especially because sometimes we have the fear in divisions, like in the lower classes, like primary, in the middle classes, student like too much fear with the division. So now here we discuss with the help of Vedic Mathematics. Now some specific concept here we apply for the some special digit, and then we got the very easy concept how you divide and how you got the value of dividend, like quotient and remainders. So now some concept here we have it like division. Now because basically first here we define the diagram, dividend, divisor, quotient and the remainder. Because first you see the flow chart of like division. In division, inside part is called dividend, and now this is divisor. Resultant value is called quotient, and some part is remaining, therefore it is called remainder. And now verify the whole concept, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. मतलब कई बार मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में हमने देखे कि बहुत इजी तरीके से हमने मैथिक मैथमेटिक्स में कैसे मल्टीप्लाई किया, उनका आंसर कितने जल्दी से हमने फाइंड किया, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने डिवीजन को इंक्लूड किया है इसमें, कि डिवीजन भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिवीजन को जैसे हमने मल्टीप्लाई में 999 से स्टार्ट किया था, और कुछ स्पेसिफिक नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करके बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया था वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने डिवीजन का भी बेस बनाया है। एंड नाउ वी हैव सम केसेस दे आर रिलेटेड विद द डिवीजन, एंड सेम थिंग हियर वी कंसीडर, बिकॉज लाइक द सेम सम रूल्स वी फॉर्म इन द मल्टीप्लीकेशन, सो देयरफॉर आल्सो वी फॉर्म द सम रूल्स इन द डिवीजन, क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ उसका रूल बनाना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम जो रूल है थ्री वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे। एक हम लेंगे डिवीजन बाय नंबर्स बिलो द बेस, एंड डिवीजन बाय नंबर्स अबोव द बेस, एंड डिवीजन बाय एनी रैंडम नंबर्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट हियर वी अंडरलाइन द लाइक बेस, व्हाट डू मीन बाय बेस। ओके, हियर वी कंसीडर लाइक 0 टू 9, ओके, सो देयर बेस इज 10 बिकॉज़ देयर राउंड फिगर इज 10 हियर, एंड देन नाउ 11 and then 12, and then basically we consider after 15, 16, 17, and then 99 up to, so there base is 100, base is 1000, base is 10,000, base is 1 lakh. So in this time we can here include the like base is important. So near the base value here we divide the concept. मतलब यहाँ पे base के जो pass वाले numbers होंगे, अगर हम बेस 10 ले रहे हैं तो हमारे बेस के सबसे नियरेस्ट नंबर होगा 9, 9 के नियरेस्ट होगा 8, 8 के नियरेस्ट होगा 7, 7 के नियरेस्ट होगा 6। इस तरह के नंबरों को हम कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे ही 999 और 999 को कंक्लूड किया था, उसी कंसेप्ट में हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो ये तीनों वैरायटी, एक हम लेंगे बिलो द बेस मतलब छोटे वाले नंबर, अबोव द बेस मतलब 10 से ऊपर, 10 से ऊपर 11 हो गया, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन। सिमिलरली लाइक रैंडम नंबर्स, सो द थर्ड केस इज फ्री, लाइक एनी नंबर यू टेक एंड देन यू डिवाइड। सो फर्स्ट टू केस इज इंपॉर्टेंट, बिलो द बेस एंड अबव द बेस। सो नाउ यू यूज द कांसेप्ट ऑफ दिस पिक्चर, फर्स्ट यू डिफाइन दिस फ्लो चार्ट ऑफ डिवीजन, एंड देन यू स्टार्ट द प्रोसेस, एंड देन हाउ यू डू विद द इन जनरल मैथमेटिक्स एंड हाउ यू डू इन द वैदिक मैथमेटिक्स, बिकॉज दोनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है। जनरल मैथमेटिक्स में हम इस फॉर्मूले के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, और उससे हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम राइट डाउन करके आंसर कोसाइन के फॉर्म में और रिमाइंडर के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, और हमारे आंसर को चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बट इन द वैदिक मैथमेटिक्स यू हैव यूज द फर्स्ट केस लाइक डेरिवेट हियर डिवीजन बाय नंबर्स बिलो द बेस, मतलब हम इस वाले वीडियो में division by numbers below the base को consider करेंगे, and concept and formula is all from 9 and last from 10, the same formula we use in multiplication, the same concept here is also in the division, but all from 9 and last from 10 here we include, because now our concept is like division by numbers below the base. Okay, so now so many cases are here we study, like, but the first case is when the base is 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, so on.
but in this video here we include only the basis 10. Okay, in next video we study like 100,000 and 10,000 and so on, but especially now because first basically here we learn something. So first start the questions, and now especially in this video we include only the special number 9. A number is given and then how you divide by 9, and now 9 is division like directly on the behalf of addition and subtraction you got the answer of quotient, answer of remainder. Okay, so now here we start the one particular. There are two examples here we illustrate, like 241 is divided by 9 and 413 is divided by 9. Okay, हमने दो क्वेश्चन लिए यहाँ पे, दोनों क्वेश्चनों को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं. ये क्वेश्चन भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये क्वेश्चन भी 9 से डिवाइड हो रहा है, और हम ऐसे और भी एग्जांपल लेंगे जो 9 से डिवाइड होंगे. उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 8 वाले, क्योंकि अभी हम बेस को 10 ही बेस मान के चलेंगे और 10 बेस से ही बनने वाले नंबर्स के हम डिवीजन को शो आउट करेंगे. अब देखिए पहला केस आपको क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9, लाइक हियर वी सी लाइक 241 डिवाइड बाय 9. अब हमें क्या करना है कि जो भी नंबर लिखा, क्योंकि हमारा बेस सिंगल डिजिट है, नाउ 10 अ सिंगल डिजिट नंबर यू हैव, तो आपका सिंगल डिजिट नंबर करने के लिए सबसे पहले आपका जो भी है आपको लास्ट से, मतलब 241 तक आपको एक डिजिट को अंडरलाइन करना है, लास्ट वाले डिजिट को आपको ऐसे बाइफरकेट करना लाइन से. अब आपके पास बच गए जो भी डिजिट बचे उनको आपने बाइफरकेट कर दिया. अब क्या करना है आपको कि जो 9 लिया आपने, 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, क्योंकि आपने बेस के लिए 10. अब बेस 10 लिया मतलब सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि जो बेस होता है और जो डिवाइजर है आपका, उन दोनों को माइनस करना है. बेस आपके पास 10 है और आपका डिवाइजर 9 है, तो 10 माइनस 9 कितना हुआ, 1, तो 1 कॉम्प्लीमेंट हुआ. मतलब अगर मैं फिर से प्लस करूँगा तो मुझे 10 होना चाहिए यहाँ पे. अगर मेरे पास ये नंबर 8 होता तो यहाँ पे मैं 2 लिखता, क्योंकि 8 प्लस 2 10 होगा. अगर ये नंबर 7 होता तो 7 प्लस 3 लेता मैं, क्योंकि 3 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 हियर. ओके, सो नाउ द कंसेप्ट इज स्टार्ट. देखिए अब इस कंसेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया, अब क्या होगा कि जो पहला डिजिट है आपका यू डायरेक्टली ब्रिंग डाउन, कुछ भी नहीं करना है उसको, सीधा सीधा नीचे उतार लेना है. अब आपके पास आ गया 2, क्योंकि आपने सीधे सीधे 2 को उतार लिया. अब जो नंबर आपका यहाँ पे आया है उस नंबर को कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना है. कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, 1 और इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 और 2 का मल्टीप्लाई होने पे आपको ये जो आंसर है वो आपको फॉरवर्ड करना है आगे, यहाँ नेक्स्ट नंबर के नीचे फॉरवर्ड करना है उसको. 1 into 2, 2 हो गया, आपने फॉरवर्ड कर दिया. अब ऊपर 4 है नीचे 2 है, ठीक है, तो 4 + 2, अब जो भी आंसर आएगा आप उसको उसको प्लस करना है. प्लस करने पे आपके पास आ गया 4 + 2 = 6, ठीक है. अब आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा भाई, अब आपका कॉम्प्लीमेंट है, आप नया नंबर बन गया 6, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया आपने, तो कहां रिप्लेस हो गया, आगे वाले प्लेस पे, क्योंकि 1 into 6 = 6. अब 1 था और 1 और 6 क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है. अब ये लाइन किस तरह पे, ये लाइन किस तरह पे, तो ये जो लाइन के यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, राइट हैंड साइड पार्ट है, क्योंकि हमने एक ही डिजिट को अंडरलाइन किया था, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर है वो सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने एक डिजिट को डिवाइड. अगर हमारे पास 99 होता तो हम दो डिजिट को अंडरलाइन करते, और दो डिजिट को अंडरलाइन करने के बाद में प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसमें कॉम्प्लीमेंट और कंसेप्ट बदल जाता. लेकिन हम यहाँ एक डिजिट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इतना ही लिया. अब 7 आ गया, तो ये जो 26 बना ये आपका कोसेंट हो गया और 7 जो हुआ आपका रिमाइंडर हो गया. लेकिन इसी चीज को अगर हम यहाँ पे करते तो लेंथी प्रोसेस में होता, पहले हमें टेबल लर्न करना होती और इस तरह से फिर हमें लिखना होता, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऐड करके हम इस आंसर को ला रहे हैं. ओके, देखिए हम दूसरा एग्जांपल भी यहाँ लेते हैं. 413, 413, अब मुझे डिवाइड करना है 9 से, मैंने 9 लिख दिया और मेरा कंसेप्ट है कि सिंगल डिजिट है, मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया, मतलब मैंने इसको अलग कर दिया और मेरे पास 41 बच गया, ठीक है. 41 की जैसे मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ मैंने कॉम्प्लीमेंट बनाया 1, क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है. अब आपको फर्स्ट डिजिट आपने सीधे सीधे ब्रिंग डाउन कर दिया, ये 4 हो गया. अब आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, और यहाँ पे कितना आया, 4. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 into 4, 4 आपका आगे चला गया. जो मल्टीप्लाई होगा आपको आगे फॉरवर्ड करना है. अब 1 + 4 क्या होता है, 5. 1 + 4 = 5 हो गया. अब फिर से इस 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको इस 5 के साथ, और जो आंसर आएगा उसे आगे फॉरवर्ड करना है. तो 1 into 5 = 5 and now here 3 + 5 = 8.
तो आपका आंसर आ गया, कोसाइन बन गया आपका यहाँ पे 45 और रिमाइंडर आ गया आपका 8। तो इस तरह से आपने केवल एक ही लाइन में सिंगल लाइन यू गॉट द आंसर। बहुत ही आसान तरीका है डिवाइड करने का। अगर आपके पास डिवाइजर में 9 है तो उस 9 की हेल्प से आप डिवाइड को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी तो हम जो ले रहे थे वो डिजिट हमारे पास बहुत छोटे छोटे नंबर ले रहे थे, अब जो हम एग्जांपल लेंगे वो 4 डिजिट और 5 डिजिट का एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या सबके लिए पॉसिबल है या नहीं है। ओके देन नाउ हियर वी हैव लाइक 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इज डिविडर एंड नाउ सिंगल डिजिट 9 इज डिवाइजर। सो नाउ अगेन वी राइट डाउन द सेम हियर लाइक 5, 2, 1, 1 and 4. And now divide by 9. So you write down 9 here. Again, you separate out a single digit. Because you have divisor as a single digit, therefore you separated the single digit number only from the last. If you have 2 digit here, then you bifurcate 2 digit from the last. मतलब आपको अगर डिपेंड करता है पर यहाँ पे जितने डिजिट होगा उतने डिजिट से आपको बाइफर्केशन बनाना है। एक डिजिट है इसलिए आपने एक डिजिट का बाइफर्केशन बनाया है। चलिए द कांसेप्ट इज सेम। नाउ अगेन आपने कॉम्प्लीमेंट बना लिया, कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया, कॉम्प्लीमेंट आपका इसका 1 है, आपने अंडरलाइन किया, सेम कांसेप्ट यू अप्लाई हियर। द फर्स्ट डिजिट डायरेक्टली यू ब्रिंग डाउन, 5 आ गया, ठीक है। 5 आने के बाद में आपने इस 5 का और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जो आंसर आया आपने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया, 5 हो गया, 1 into 5 is 5 एंड नाउ 5, 2 plus 5 is 7। ओके सो नाउ अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड रिजल्टेंट वैल्यू राइट डाउन फॉरवर्ड हियर 7। नाउ 1 plus 7 is 8। ओके सो अगेन दिस 1 इज मल्टीप्लाइड हियर एंड नाउ यू राइट डाउन आंसर हियर लाइक 8। Similarly, you write here same 7 here, this 5, you have 5 and then forward it here. So 1 plus 8 is 9. Okay, then now again multiply by 9 here and again forward to the next, but 4 plus 9 is 13. Okay, so we have 2 digit number. Now you have the confusion here because now here carry over is forwarded. Okay, so this carry on you forwarded here, so this carry on you forward like here, 1 you add it, because now you have the quotient is 5, 7, 8, 9, plus 1 because this forwarded here, so this is the quotient and now remainder is you have 3 and now this carry on also you added here because this quotient complement part also you added here, so remainder is 4 and now your answer is this is 0, 9, 7 and 5. So quotient is 5, 7, 9, 0 and remainder is 4. Okay, so now again continue with this part because now here we have the 6 digits. So 6 digits in which you do the same 1, 0, 3, 4, 3, 1. Okay, now divide by 9 again and now you underline here the same thing, bifurcate this digit, you have the single digit now and the resulting term add on again and same, your complement is 1, again you add on complement here because complement is same and now first digit you bring down same here 1. Okay, then now we multiply this digit and then is tends to in the next, so 1 here, so 0 plus 1 is 1, again this 1 is multiplied by this 1, so again forwarded here 1, but 3 plus 1 is 4 and now again this 1 multiplied by this 4 and again forwarded the next 4 here, now 4 plus 4 is 8, okay, and now this is multiplied by here, so 8, so you write down here 8 and now you have here like 11. Okay, so 11 is added now this digit, this 1 you added here, so single number you have like here 11, but this 1 is multiplied by same here, you have 1 into 11 is 11, so like you have here
Okay, then now this is the carry forward. So it's carry forward on the previous digit, and now you have the cosine. Like first you have 1, 1, 4, and now 8 is 1 added here, so it is 9, and now 1 you have as it is. Okay, so now with this 1 you added, now here you have 12. So again you have the carry forward digit 1, again you added here, so you added 1 here. Because in the remainder part you have this value, so 2, 9, 4, 1, 1. Okay, this is the quotient. And now this value is 2, remainder. Now complement is 1 here, so 1 is added. So 3, 3 is the remainder. Okay, so that's very easy going, in which only here we multiply like the with the complement 1. Because the basic concept is in division, complement is very important, because the concept is all from the like 9 concept is there, dividend concept is there here, all from the 9 and last from the 10 concept here we use, because how here we have the particular one division, division value in the single digit, and now here we include in the base. So therefore we have the case for 9 only, especially here we divide, and now each number they are forwarded to the next digit, and then we got the solutions like in form of cosine and the remainder. मतलब बहुत आसान तरीका था इसमें, हमने बहुत आसान तरीके से जो complement number था उसकी help से हमने पहले digit को forward किया, उसका जो multiply आता गया हम आगे tens करते गए, वो plus करते गए, और plus करते करते हमारे सारे answer जो cosine वाला answer था वो भी हमें मिल गया, और जो रिमाइंडर था वो भी हमें मिल गया। इस तरह से हम बहुत आसानी से इस डिवीजन को कर सकते हैं। And now in this video particular this is we have like conclude, because in next video we also include the division of 99, division of 999, like 89, division of 8 and so on. So if now you like this video, so please my YouTube channel Sanjay Nichol, and also you subscribe if you watching this video, and then like, subscribe and share with your friends. Thank you.